नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पूर्वोत्तर में प्रचंड जीत के बाद विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री, बोले वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। विपक्षी एकजुटता की कोशिश के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राजीव गांधी के नेतृत्व में सेना ने चीनियों को खदेड़ा, चुनाव नतीजों पर कही ये बात। त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा को फिर बहुमत, मेघालय में फिर साथ आई बीजेपी, एनपीपी सीएम संगमा बोली मिलकर सरकार चलाएंगे। पांच राज्यों उपचुनाव के रिजल्ट में से छह में से तीन सीटें कांग्रेस जीती, 28 साल बाद बीजेपी महाराष्ट्र की कस्बापेट सीट हारी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर कसा तंज, बीजेपी से ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है कांग्रेस और सीपीआईएम। कैम्ब्रिज में बोले राहुल गांधी, मेरे फोन में पेगासस था, केस दर्ज किए जाते हैं, भारत के विपक्ष के तौर पर ये दबाव हम झेलते हैं। अमित शाह से मिले पंजाब सीएम भगवंत मान, 40 मिनट तक बातचीत, बॉर्डर सिक्योरिटी और चंडीगढ़ एसएसपी पर चर्चा। जयराम रमेश बोले 3S ने प्लान बनाकर खेला खेल, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कांग्रेस की क्षमता की सराहना करनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में गलत तथ्य जोड़े, पारंपरिक ज्ञान की जानकारी हो। नतीजों के बाद विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर, कांग्रेस खुद को माकपा की बी टीम घोषित करे। पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का तंज, बोले रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज, मुझे लगा था कि वो भारत जोड़ने कराची या लाहौर जा सकते हैं। बीजेपी ने अजीत पवार के खिलाफ सौंपा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, शिंदे सरकार को बताया था महाराष्ट्र विरोधी। अंबाला में नेशनल हाईवे 344 पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, मजदूरों से भरी बस ट्राली ने मारी टक्कर। मिशन 2024 में कमजोर सीटों के हर बूथ पर भाजपा लगाएगी जोर, 80 लोकसभा सीटें जीतने पर पार्टी का फोकस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में भी बजाया भाजपा का डंका, सभी पर खिला कमल, रैलियों में खड़ा था बुलडोजर। सपा पर हमलावर है सीएम योगी, बोले मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने अपने मुकदमे खुद वापस कराए। सीएम ने की त्यौहार की तैयारियों की समीक्षा, बोले आस्था को दे सम्मान, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटे। विधानसभा में शिवपाल ने सरकार पर साधा निशाना, बोले जो कह रहे हैं समाजवाद की जरूरत नहीं, वो संविधान विरोधी।
सपा विधायक रमाकांत की जमानत याचिका खारिज। साल 2022 में जहरीली शराब से 13 लोगों की हुई थी मौत। सपा के पूर्व एमएलए को 6 महीने की सजा। गाजियाबाद में दिव्यांग की जमीन कब्जाने का प्रयास। कोर्ट का 17 साल बाद आया फैसला। भाजपा ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष से मांगी 1 करोड़। रंगदारी डॉक से भेजा पत्र, लिखा पैसे नहीं दिए तो धमाके से उड़ा देंगे। 2 पर एफआईआर। इटावा सपा नेता ने पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखा पत्र। सदर नगर पालिका रैपिड सर्वे में जनसंख्या में गड़बड़ी बताए, कार्यवाही की मांग की। आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल पर मंडरा रहे संकट के बादल। खत्म हो सकती है स्कूल की मान्यता। विधानसभा में जल शक्ति विभाग का बजट पारित। मंत्री बोले, पिछली सरकारों में खेत सूखे रहते थे और नेताओं की जेब भरी रहती थी। वृंदावन में हेमा मालिनी ने गाया होली का भजन। श्याम रंग में मैं तो रंग आई और सब रंग झूठा झूमे भक्त। बांके बिहारी में मनाया गया रंग भरी एकादशी। टेसू से बने रंग भक्तों पर बरसाएं 5 दिवसीय होली उत्सव शुरू। पंचकोशी परिक्रमा में उमड़े भक्त। गाजियाबाद में वेब सिटी थाने के एसओ सस्पेंड। 2 पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर। पिटाई से पुताई ठेकेदार की हुई मौत। होली की तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक। सभी विभागों में 1 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। लखनऊ में पेंट की दुकान में लगी आग। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले आयकर इंस्पेक्टर का परिवार फंसा। 8 लोगों का किया गया रेस्क्यू। रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा ट्रक। ड्राइवर पटरियों के बीच ट्रक छोड़कर भागा। 4 घंटे ठप रहा झांसी प्रयागराज रूट। बीबीए स्टूडेंट ने फांसी लगाकर दी जान। गाजियाबाद में आईएमएस कॉलेज के हॉस्टल में पंखे से लटका मिला शव। झारखंड का रहने वाला था। बागपत में ऑनर किलिंग। फोन पर लड़के से बात करती थी बेटी। होमगार्ड पिता ने हत्या करके नदी में फेंका शव। वाराणसी एयरपोर्ट को ड्रोन केमिकल से तबाह करने की धमकी। कहा होली वाले दिन जमींदोज होगा एयरपोर्ट। दलित युवती से रेप के दोषी को 10 साल की जेल। 20,000 जुर्माना। 10 साल का पहले शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध। आगरा में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत। दोनों चालकों की मौत। क्लीनर की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भाजपा नेता को मारने की धमकी पर 8 पर एफआईआर। बिहार जेल में बंद बदमाश सतीश सिंह पर आरोप। गुर्गों ने फोन कर दी धमकी। उन्नाव में सब्जी विक्रेता ने लगाई फांसी। किराए के मकान में फंदे पर लटका मिला शव। 3 साल पहले किया था प्रेम विवाह। इटावा में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में फंदे पर लटकता मिला शव। आगरा का रहने वाला है। हापुड़ में हत्यारोपियों को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 18 साल बाद सुनाया फैसला। 2 सगे भाइयों ने गला काट कर की थी युवक की हत्या।
अलीगढ़ में इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर मौलवी ने हिंदू परिवार संघ की मारपीट, फातिमा खातून ने काटने की धमकी दी। फिरोजाबाद में अपराधियों के खिलाफ बाबा का एक्शन जारी, दूध की मिलावटखोरी के अपराधी की संपत्ति को किया गया कुर्क। आजमगढ़ में एसपी ने किया कोतवाली का निरीक्षण, समझौता कराने के आरोप में चौकी इंचार्ज निलंबित। मेरठ में सक्रिय हुआ सुरंग चोर का गिरोह, निशाने पर ज्वेलरी शोरूम, डेढ़ महीने में दो शोरूम चोरी का प्रयास। उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक से 48 घंटे पहले मिलेगा मंत्रियों को एजेंडा, शिकायत पर सीएम ने जारी किए निर्देश। महिला सुरक्षा सप्ताह पर सीएम धामी की घोषणा, महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और रोकने वाले होंगे सम्मानित। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने पर होगा विचार, उपसमिति बनाने के निर्देश। आंदोलनकारियों के आरक्षण का प्रस्ताव न आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराज, दूसरी बैठक में लाने के निर्देश। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद बोले कोश्यारी, अब करना चाहता हूं समाज सेवा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.4 रही तीव्रता। उत्तराखंड में 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मार्चियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दो मकानों में लगी भीषण आग, लोगों ने भागकर बचाई जान, 5 परिवार हुए बेघर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नहीं बढ़ाई गन्ने का एमएसपी, बीते साल की दरों पर होगा भुगतान। उत्तराखंड मेडिकल की पढ़ाई में काम आएंगे लावारिस शव, प्रदेश सरकार कर रही है नियमावली बनाने का विचार। गंगोत्री हाईवे डबरानी में अचानक चट्टान भरभरा कर हाईवे पर गिरी, आवाजाही ठप, बड़ा हादसा टला। खतरे की आड़, उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से बनी 77 झील, इस झीले में तबाही मचा सकती है बाढ़। उत्तराखंड में चढ़ने लगा पारा, दून में 30 डिग्री पर पहुंचा तापमान, पहाड़ से मैदान तक पड़ेगी भीषण गर्मी। जोशीमठ में लावारिस घूमता मिला, 5 महीने पहले मध्य प्रदेश से लापता हुआ युवक, मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उत्तराखंड में सरकार बदलेगी 582 मालिन बस्तियों की सूरत, 11 लाख लोगों का होगा फायदा, किया प्रावधान। अमेरिका ने फिर रूस से कहा जंग खत्म करो, यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार मिले यूएस और रूस के विदेश मंत्री, 10 मिनट बातचीत हुई। कोयले का इस्तेमाल पड़ रहा है भारी, 2022 में रिकॉर्ड कार्बन उत्सर्जन, दुनिया भर में बड़ी ऊर्जा खपत।
यूएस कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर कस सकता है शिकंजा, पुलिस चला सकती है मुकदमा। युद्ध के बीच पुतिन का दावा, बोले हमारी सीमा में यूक्रेनी हमलावर घुसे, नागरिकों पर बरसाई गोलियां। पाकिस्तान पर बरसी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार निक्की हेली, बोली पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का घर, अमेरिका से नहीं मिलनी चाहिए मदद। बोरिस जॉनसन ने नए ब्रेक्सिट के सौदे को लेकर ऋषि सुनक पर साधा निशाना, कहा संसद में मतदान करना मुश्किल होगा। सत्ता परिवर्तन के षड्यंत्र की भारी कीमत चुका रहे पाकिस्तानी, इमरान खान बोले नई ऊंचाई तक पहुंचेगी महंगाई। नासा का स्पेसएक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च हुआ, फॉल्कन 9 रॉकेट में 4 एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ाई भरी है, 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। अमेरिका ने भारत के G20 नेतृत्व की सराहना की, कहा आशाजनक शुरुआत करने के लिए तैयार, हमारे संबंध परिणामी। IMF की एक और मांग के आगे झुकी पाक सरकार, बिजली उपभोक्ताओं पर लगाया 3.23 रुपए यूनिट अतिरिक्त शुल्क। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी, एंटरप्राइजेस का शेयर 10% से ज्यादा बढ़ा, सेंसेक्स 700 अंक चढ़कर 59,600 के पार पहुंचा। एक्टर अरशद वारसी समेत 45 लोग स्टॉक मार्केट से बैन, वीडियो अपलोड कर 2 शेयर मैन्युपुलेट किए। न्यू जनरेशन हुंडई वर्ना की बुकिंग शुरू, 528 लीटर के बूट स्पेस के साथ प्रीमियम सेडान को मिलेगा बड़ा कैबिन स्पेस। एमजी ने अपकमिंग स्मार्ट टीवी का नाम अनाउंस किया, मारुति की ऑल्टो से भी छोटी होगी कोमेन। मुकेश अंबानी की एक और नए बिजनेस में एंट्री, रिलायंस ग्रुप 12,000 रुपए में कराएगा जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। एलन मस्क ने टेस्ला इन्वेस्टर डे पर बताया फ्यूचर प्लान, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया, साल के अंत तक साइबर ट्रक। क्रिप्टो फ्रॉड में भारतीय मूल के निषाद दोषी करार, एफटीएक्स के ग्राहकों का फंड ट्रांसफर करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। अमेरिका में भंडार बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें घटी, पाम तेल का आयात घटकर 8 माह के निचले स्तर पर। तेलंगाना में फॉक्सकॉन लगाने जा रही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 1,00,000 लोगों को नौकरी का वादा। सावरन फंड से $3 अरब के कर्ज हासिल करने की डील को अडानी समूह ने बताया अफवाह, स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी। इंदौर टेस्ट में भारत के शर्मनाकार ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन का टारगेट 76 मिनट में हासिल कर लिया, 9 विकेट से जीते। WTS फाइनल का इंतजार बढ़ा, भारत को जीतना होगा चौथा टेस्ट, वह भी हारे तो न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज का करना होगा इंतजार। अर्जेंटीना में मेसी को ड्रग माफियाओं की धमकी, पत्नी के संबंधियों को निशाना बनाने की कोशिश।
विराट कोहली के स्वर्णिम युगांत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरे टेस्ट में हुए फ्लॉप। बेन स्टोक्स की उपलब्धता पर सीएसके ने सीईओ ने दिया बड़ा बयान, स्टोक्स टीम के लिए पूरे आईपीएल सीजन के दौरान खेलते हुए दिखाई देंगे। डब्ल्यूपीएल का पहला सीजन कल से 23 दिन में 5 टीमें खेलेंगी 20 लीग मैच, दिल्ली सबसे मजबूत। महिला इंग्लिश क्रिकेटर ने प्रेमिका संग सगाई की, पहले विराट कोहली को किया था प्रपोज, अब विमेंस फुटबॉल मैनेजर से शादी करेंगी। मेग लेनिंग बनी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान, डब्ल्यूपीएल में पांचों टीम की लीडर तय, जाने सभी टीमों के कप्तान के बारे में। नाथन लियोन ने अपनी अंगुली पर भारतीय बल्लेबाजों को नचाया, दूसरी पारी में 8 विकेट लेकर तोड़ा अनिल कुंबले का रिकॉर्ड। लाहौर कलंदर्स ने क्रेटा ग्लेडिएटर्स को हराया, सिकंदर रजा की तूफानी पारी ने बदला मैच। माँ से मिलने पहुंचे थे नवाजुद्दीन, भाई ने रोका, घर में जारी कलह के चलते माँ की तबीयत बिगड़ी, बिना मिले वापस लौटना पड़ा। दया मिर्जा ने शेयर किया बेटे का वीडियो, शूटिंग के बीच अभियान के साथ बिताया टाइम, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। मनोज वाजपेयी ने छुए एक्ट्रेस तनुजा के पैर, हाथ थामकर सीढ़ियों से उतारने में मदद की, फैंस को खूब पसंद आया मनोज का ये जेस्चर। कंगना रनौत को यामी गौतम ने बताया शानदार एक्ट्रेस, बोली उनका काम बोलता है, कंगना का काम शानदार होता है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कॉमेडियन राजीव निगम का स्मृति ईरानी पर तंज, बोले 50 रुपए के चक्कर में लोग कहां कहां ढूंढ रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सुरक्षा में चूक, दो लोगों ने मन्नत में घुसने की कोशिश की, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। डेजी शाह हुई ट्रोलर्स का शिकार, इवेंट में पहुंचते ही टूटी एक्ट्रेस की सैंडल, यूजर्स बोले इतनी महंगी चीजें बेइज्जती ही करवाती हैं। सुष्मिता सेन को आया हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी की गई, एक्ट्रेस ने कहा नई जिंदगी मिली, हार्ट को हमेशा स्ट्रांग रखें। बायकॉट बॉलीवुड पर बोले रणबीर कपूर, कहा फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, हम दुनिया को नहीं बचा रहे हैं। पहले से 100% बेहतर होगी ब्रह्मास्त्र 2, दूसरा पार्ट जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं अयान मुखर्जी। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।